खबरों में बात करते हैं करनाल की, जहां मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से आए मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त राष्ट्रीय संत बाल योगी श्री उमेश नाथ जी महाराज ने कहा कि देश के फिल्म सेंसर बोर्ड को चाहिए कि पूरी छानबीन करने के बाद ही किसी सीरियल या फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति दे, क्योंकि फिल्मों और सीरियलों के माध्यम से देश के महापुरुषों और महर्षियों को निरंतर अपमान हो रहा है, यह अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। उमेश नाथ महाराज आज ज्वेल्स होटल में आरआरबी कंप्यूटर सेंटर काछवा करनाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। वह लुधियाना से दिल्ली की तरफ जाते हुए करनाल में रुके थे। लुधियाना जिले के मेहणी साहब गुरुद्वारे में आज नाम जाप समारोह के शुभारंभ अवसर पर आया था और उसी के साथ इस रास्ते से निकल करके मैं रोहतक जा रहा था, तो आज इस करनाल के समस्त वाल्मीकि बंधुओं ने मुझे यहाँ रुक करके और आप सब लोगों से मिलाया है और मेरा एक आंदोलन चल रहा है, जाति पंथ संप्रदाय तोड़े राष्ट्र को जोड़े। समाज में जातिगत व्यवस्थाओं को बहुत तेज गति से लोग लागू कर रहे हैं और उससे देश को हानि हो रही है। देश में हम सब लोग मानव समाज के साथ जीने की कोशिश करें और मानव मात्र अपने कर्तव्यों का पालन करें और समस्त मानव समाज के लोगों का सम्मान करें, ऐसी मेरी भावना है। जाति पंथ संप्रदाय को तोड़ करके हमको मानव समाज के साथ जीना चाहिए। जातियां तो पशुओं में होती है, मनुष्यों में कोई जाति नहीं होती है, इसलिए इस विषय को भी आप सब लोग ध्यान दें। आप सब लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूं और मेरा ऐसा मन करता है कि आप सब लोग सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन करें और राष्ट्र को मजबूत करने का काम करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।